नमस्कार दोस्तों, आप सभी का लॉ ऑर्डर एंड सिविल राइट्स यूट्यूब चैनल पे स्वागत है, अभिनंदन है। दोस्तों, आप यदि दिसंबर 2019 में वीजीसी नेट की जो एग्जामिनेशन होनी है उसकी तैयारी कर रहे हैं और आप चाहते हैं कि नेट के साथ साथ में जेआरएफ भी हो जाए, तो आपको जो हम नोट्स उपलब्ध करा रहे हैं पीडीएफ फॉर्म में, पीडीएफ के रूप में हमने जो है नोट्स उपलब्ध करा रहे हैं, ये इस नोट्स को जो है डाउनलोड कर लीजिए। और हमने जो है ये जो पीडीएफ हम दे रहे हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहे हैं, डिस्क्रिप्शन में दे रहे हैं, और इसको जो है डाउनलोड करके रख लें, नोट्स बना लें। यहाँ पर शिक्षक की भूमिका, शिक्षक से संबंधित प्रश्न पूछा जाता है वीजीसी नेट में भी और सी टेट में भी, ठीक है, सी टेट में भी, साथ ही साथ कोई बीएड, डीएड या एमएड कर रहे हैं उसके लिए भी बहुत जरूरी है। यदि आप एक टीचर हैं और टीचर बनने की इच्छुक हैं, चाहे स्कूल में चाहे कॉलेज में, उसके लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। बालक में किसी भी प्रकार की अभिवृत्ति विकसित करने की क्षमता उत्पन्न करने का दायित्व तो शिक्षक का है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर स्टूडेंट्स में किसी भी प्रकार की अभिवृत्ति विकसित करने की क्षमता उत्पन्न करने, यहाँ पर जो है शिक्षक का दायित्व होता है। अभिवृत्ति के विकास के लिए शिक्षक इन विधियों का प्रयोग करता है, कर सकता है, सूचना तथा प्रचार, सामाजिक अधिगम, व्यक्तित्व, प्रेरणात्मक कारक, समूह प्रभाव, आवश्यकताओं की संतुष्टि, प्रत्यक्षीकरण कारक, सांस्कृतिक कारक, संपर्क और प्रक्रियात्मक कारक जो है, इन चीजों का जो है प्रयोग जो है टीचर के द्वारा जो है शिक्षक इन विधियों का प्रयोग कर सकता है। ये विधियां परिस्थिति तथा व्यक्ति की प्रकृति के अनुसार प्रयोग मिलानी चाहिए। मनोवृत्ति में परिवर्तन प्रक्रिया, ये देखिए यहाँ पर जो है शब्द इतना कठिन है, तादम्यीकरण या अंताकरण या अनुपालन की अहम भूमिका होती है। ध्यान दीजिएगा, ये मनोवृत्ति में परिवर्तन की प्रक्रिया को जो है तादात्म्यीकरण, यहाँ पर अंताकरण या अनुपालन की अहम भूमिका होती है। अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक क्या क्या हैं? हम जो है आपको आज पढ़ाना चाह रहे थे अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक क्या क्या चीजें हैं, तो यहाँ पर जो है स्पष्ट रूप से आप समझ लीजिए एक एक बात जो है, ताकि आपको जो है एक एक बात समझ में आ जाए। नेक्स्ट स्लाइड में हम इसको जो है पूरा लिए हुए हैं, तो इसको जो है देखिए, अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक क्या क्या हैं। यहाँ पर प्रभावशाली शिक्षण पर ही नहीं निर्भर करता, बल्कि सामूहिक कारकों पर भी निर्भर करती है, ठीक है। अधिगम एक प्रक्रिया है, इस प्रक्रिया की सफलता केवल प्रभावशाली शिक्षण के साथ साथ जो है आपका सामूहिक कारकों पर भी निर्भर करता है। यहाँ पर देखिए, शिक्षार्थी, शिक्षक, पाठ्य वस्तु, अधिगम, यहाँ पर व्यवस्था, ठीक है, यहाँ पर जो है व्यवस्था और वातावरण इत्यादि से संबंधित कारक अधिगम में आते हैं। देखिए यहाँ पर क्या क्या बताए, लर्नर, यहाँ पर लर्नर जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, टीचर जो है, उसके बाद में कैरिकुलम है, कैरिकुलम और लर्निंग, लर्निंग भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, व्यवस्था, अरेंजमेंट, मैनेजमेंट, ये जो है बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, इस पर निर्भर करता है। फिर वातावरण, एटमॉस्फियर जो है, एटमॉस्फियर जो है ये भी इम्पॉर्टेंट है। तो यहाँ पर देखिए मुख्य रूप से पांच कारक हैं, शिक्षक से संबंधित कारक, शिक्षार्थी से संबंधित कारक, पाठ्य वस्तु से संबंधित कारक, अधिगम व्यवस्था से संबंधित कारक और वातावरण से संबंधित कारक। ये पांच कारक होते हैं दोस्तों, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। इसको आप लोग जो है कई बार देख लीजिए, इसका अध्ययन कीजिएगा, आपको जो है स्पष्ट रूप से ये पूरा समझ में आ जाना चाहिए, तो आपके लिए बेहतर होगा। आइए देखते हैं, हम जो है शिक्षक से संबंधित कारक है विषय का ज्ञान, यहाँ पर बहुत प्रभावित करता है, विषय का ज्ञान होना चाहिए शिक्षक को, शिक्षक का व्यवहार भी बहुत इंपॉर्टेंट है, मनोविज्ञान का ज्ञान होना चाहिए उनको, शिक्षा शिक्षण विधि के बारे में जानकारी होना चाहिए, कौन से शिक्षण विधि से उन्हें पढ़ाया जाना है, व्यक्तिगत भेदों का ज्ञान होना चाहिए, व्यक्तिगत भेदों का ज्ञान। तो अध्यापक को तीन प्रकार के छात्रों का सामना करना पड़ता है, यहाँ पर व्यक्तिगत भेद यानी कि मेधावी, सामान्य और पिछड़े हुए बालक, इन्हीं के अनुरूप शिक्षण व्यवस्था करनी होती है। व्यक्तिगत भेद छात्र को समझने में अध्यापक का
सहयोग आवश्यक होता है। देखिए छठवां जो है व्यक्ति छात्र जाने अनजाने शिक्षक के व्यवहार से प्रभावित हो बहुत सी बातें सीख लेते हैं। इस दृष्टि से एक अध्यापक को आत्मविश्वासी, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर आत्मविश्वासी होना चाहिए, दृढ़ इच्छा शक्ति होना चाहिए, कर्तव्यनिष्ठ निरोगी होना चाहिए, श्रेष्ठ रुचियां होना चाहिए, अभिरुचियां वाला होना चाहिए। बाल केंद्रित शिक्षा, यहाँ पर जो है हमने आपको बता रहे हैं बाल केंद्रित शिक्षा जो है आधुनिक युग में शिक्षक के लिए आवश्यक है कि वह जो भी ज्ञान छात्रों को प्रदान करे उसकी रुचियां, क्षमताओं और स्तर के अनुकूल होना चाहिए। ये सब कारक है दोस्तों शिक्षक से संबंधी, आपको जो है इसको जो है रट लेना है, ठीक है। यहाँ पर देखिए यहाँ पर जो है हम आपको बता रहे हैं समय सारणी होने चाहिए, पाठ्य सहभागी क्रियाएं होनी चाहिए और अनुशासन होना चाहिए। देखिए दूसरा है शिक्षार्थी से संबंधित कारक क्या क्या है, ठीक है। शिक्षार्थी से संबंधित कारक जो है बालक सीखने की इच्छा, बालक शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का आधार है, इसलिए उसके अभाव में अधिगम की कल्पना नहीं की जा सकती। यानी कि लर्नर जो है यदि टीचर बन जाएगा तो वो कभी सीख नहीं पाएगा, या लर्नर को जो हमेशा सीखने की इच्छा होनी चाहिए। शैक्षणिक पृष्ठभूमि बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हमने आज जो है आप लोगों को बताया है डिटेल के साथ में लाइव क्लास में, ठीक है। यहाँ पर जो है शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य होनी चाहिए, हमने आज आपको बताया है लाइव क्लास में, परिपक्वता होनी चाहिए, अभिप्रेरणा होनी चाहिए, सीखने वाले की प्रवृत्ति होनी चाहिए, सीखने का समय तथा अवधि, ये लर्नर का जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट विशेषता है, बुद्धि और अधिगम प्रक्रियाएं, ठीक है। वो किसी भी कार्य को अपने ढंग से सीखता है, ठीक है, अपने ढंग से सीखता है, चाहे प्रक्रिया किसी भी ढंग से क्यों ना हो संपादित की जाए, तो अधिगम की प्रक्रिया और बुद्धि भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बालक की तीव्र या मध्य बुद्धि किसी कार्य को सीखने में सरलता या बाधा उत्पन्न हो सकता है। दोस्तों हम आपको जो बता रहे हैं, देखिए पाठ्य पुस्तक से संबंधित कारक क्या क्या है, यहाँ पर वस्तु की प्रकृति पर निर्भर करता है, विषय वस्तु के आकार, विषय वस्तु का क्रम, ठीक है, ये जो है नहीं तो उब जाएंगे बच्चे जो है, उदाहरण प्रस्तुतिकरण, भाषा शैली और दृश्य सभ्य सामग्री, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसी में से क्वेश्चन जो है ज्यादातर पूछा जाता है। और हम जो आपको बता रहे हैं वो आपके लिए जो है जो चीजें हम आपको बता रहे हैं समझ लीजिए ये आपका ये सरकारी रिकॉर्ड है, यानी कि ऑथेंटिक बुक है ये जिसमें आपको बता रहे हैं हम जो है, ठीक है। यहाँ पर रुचिकर विषय वस्तु होनी चाहिए, रुचिकर विषय वस्तु होनी चाहिए, जरूरी है ये सातवां पॉइंट जो है, विषय वस्तु का उद्देश्य पूर्णता होनी चाहिए, विभिन्न विषय की कठिनाई का स्तर होनी चाहिए, इसको पूरा हम जो है अपलोड कर दिए हैं। अधिगम व्यवस्था से संबंधित कारक क्या क्या है देख लीजिए यहाँ पर जो है, यहाँ पर शिक्षण अधिगम प्रक्रिया भी क्वेश्चन पूछा जाता है, इसको भी आप लोग ध्यान रखिएगा। ऑथेंटिक हम बुक दे रहे हैं जिसमें आप चैलेंज कर सकते हैं, पाठ्य पुस्तक, शिक्षण और छात्र, ये तीनों मिलकर जो है ये टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को जो है कंप्लीट करता है। संपूर्ण बनाम खंड विधि, इसकी मुख्य विशेषता है कि इससे विद्यार्थी अपनी स्मरण शक्ति बढ़ा सकता है। संपूर्ण बनाम खंड विधि यानी कि फुल किताब पढ़ेगा या गाइड पढ़ेगा, दोनों के विरुद्ध जो है हम यहाँ पर आपको बताए हैं, ठीक है। आप यहाँ पर देखिए संपूर्ण बनाम खंड विधि हमने बता दिया, उप विषय बनाम संकेंद्रीय विधि, यहाँ पर बालक की मानसिक स्तर और आयु के अनुसार उप विषय पढ़ाए जाते हैं दोस्तों, इसको भी आपको जो है पढ़ लेना है। हम आपको ये वीडियो अपलोड कर दे रहे हैं ताकि आपको जो एक एक बात समझ में आ जाए, ठीक है। यहाँ पर देखिए संकलित बनाम विपरीत वितरित विधि, ये सब मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एजुकेशन वालों के लिए तो इंपॉर्टेंट है ही, साथ में नेट वालों के लिए। आयोजित बनाम प्रासंगिक विधि, सक्रिय बनाम निष्क्रिय विधि, ये विधि का प्रयोग किया जाता है। वातावरण से संबंधित कारक क्या क्या है, वातावरण से संबंधित कारक क्या क्या है, वंशानुक्रम, सामाजिक वंशक्रम का ज्ञान और वातावरण का प्रभाव, ये वंशानुक्रम भी जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बालक में 80% योग्यता और क्षमता है उसके वंशानुक्रम का ही देन है। रॉस कहता है कि बालक जो कुछ भी है और जिस रूप में विकसित होता है वह वंशक्रम का ही देन है। व्यक्ति का जीवन सुखमय या दुखमय होना भी उसके वंशक्रम से प्राप्त गुणों पर निर्भर करता है। तो ध्यान दीजिएगा ये वातावरण से संबंधित कारक है जो हम आपको पूरी जानकारी के साथ में बता रहे हैं। देखिए
इसको हमने बता दिया है। शिक्षा में शिक्षा का अनौपचारिक साधन होना चाहिए, परिवार का वातावरण होना चाहिए, इस पर भी निर्भर करता है दोस्तों। हम आपको जो है कक्षा का भौतिक वातावरण, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, तभी लर्नर जो है बहुत अच्छे तरीके से सीख सकता है। मनोवैज्ञानिक वातावरण भी चाहिए, सामाजिक एवं सांस्कृतिक वातावरण चाहिए और संपूर्ण परिस्थिति चाहिए। हमने इसका वीडियो अपलोड कर दी, सॉरी इसका नोट्स जो है हमने जो है पीडीएफ के रूप में अपलोड कर लिया है। इसको एक बार जरूर पढ़ लीजिएगा और उसके हिसाब से अपना नोट्स बना लीजिएगा। तो मुझे पूरा विश्वास है कि आप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। यदि शुरू से अंत तक सुने होंगे तो मुझे लगेगा कमेंट्स बॉक्स में, तभी मुझे लगेगा कि लास्ट तक सुने हैं। तो आप लोग क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा, एक मेरा प्रश्न है उस प्रश्न का उत्तर दीजिएगा। ये नोट्स जो हम आपको उपलब्ध करा रहे हैं वो उपयोगी है या नहीं, उपयोगी है या नहीं, जो हम नोट्स आपको उपलब्ध करा रहे हैं उपयोगी है या नहीं, इससे मुझे समझ में आएगा कि बच्चे पूरा देख रहे हैं या थोड़ा सा देखकर छोड़ दे रहे हैं, ताकि उसी हिसाब से हम आपको बता दें यस या नो लिखना है आपको जो है, यस या नो। और मुझे इसी से पता चलेगा कि लास्ट तक किसने पूरा देखा है, लास्ट तक किसने देखा है, मेरे बात को सुना है। तो मैं इससे गिनती करूंगा कि यस और नो जो लिखने वाले लोग हैं कि संख्या कितनी है, उसको हम उसके माध्यम से हम जो है विवेचना कर सकते हैं। थैंक यू।